नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति शांति पर्व। इसमें भी आपत धर्म पर्व चल रहा है इस समय कि आपत्ति के समय व्यक्ति क्या और कैसे व्यवहार कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए। चलिए, आज एक ऐसा विषय यहां आकर के खड़ा हो गया है जिस पे बहुत लोग तरह तरह से विचार करेंगे और हो सकता है कि बहुत लोग इस बात के साथ सम्मत भी नहीं हो। पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में आपत्ति काल को लेकर के जब चर्चा चल रही है तो पितामह भीष्म कहते हैं, त्रेता द्वापर यो संधौ तदा देव विधिक्रमात अनावृष्टि अभूत घोरा लोके द्वादश वार्षिकी। त्रेता और द्वापर युग का जब संधि काल था तो उस समय एक ऐसी स्थिति आई कि 12 वर्ष तक बरसात ना हो, ऐसा अनावृष्टि का काल आ गया। 12 वर्ष तक बरसात नहीं हुई। आप कल्पना कर लीजिए, एक साल भी बरसात थोड़ी कम भी हो ना तो भी लोग ऊंचे नीचे हो जाते हैं। हमें न तो अतिवृष्टि चाहिए, ना ही हमें अनावृष्टि चाहिए, हमें तो समतोल वृष्टि चाहिए। अब 12 साल तक जब बारिश नहीं हुई तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। प्रजानाम अतिवृद्धानाम युगांते समुपस्थित। प्रजा बहुत बढ़ गई थी, जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। अब उस जनसंख्या का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक संहार होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो त्रेता विमोक्ष समय द्वापर प्रतिपादने, जब त्रेता का समय पूर्ण हो रहा था, द्वापर का जहां प्रारंभ होना था, ऐसी स्थिति में उस भयंकर अकाल के समय पे विश्वामित्र मुनि की कथा सुनाते हैं। विश्वामित्रोथ भगवान महर्षि अनिकेतना। मैं यहां सभी श्लोक इसलिए बोल रहा हूं कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये कथा मैं अपने मन से कह रहा हूं। विश्वामित्र नाम के मुनि, आप हम सभी उनसे परिचित हैं। क्षुधा परिगतो धीमान समन्तात्पर्य धावत। अपने घर से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि कुछ खाने के लिए नहीं है, भूख प्यास से व्याकुल हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी पत्नी अपने पुत्र जो कुछ है जो जहां, क्योंकि फिर कोई किसी का आपत्ति काल में कोई किसी का सगा नहीं होता है। आप देख लीजिए, इस कोरोना काल में भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जिन पत्नी बालकों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व पूरा जीवन निछावर कर दिया, उनको कोरोना होने के समय पे हॉस्पिटल में इस प्रकार से छोड़ दिया गया कि अगर ठीक होके वापस आ जाएं तो भैया मोस्ट वेलकम, और नहीं तो चले गए तो चले गए। ऐसा भी हुआ है बहुतों के साथ, मानसिक रूप से यहां बहुत लोगों के साथ में है। तो ऐसा ही आपत्ति का काल, जब उन्होंने सबका परित्याग कर दिया, एक दिन की बात है कि वो कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसको ढूंढते ढूंढते और एक चांडाल की कुटिया पे पहुंच जाते हैं। चांडाल ने कुत्ते को मारा हुआ था, कुत्ते की एक जांग वहां पड़ी हुई थी। रात्रि का समय था, चांडाल अपने परिवार के साथ सो रहा था। ऐसे में विश्वामित्र के मन में विचार आता है कि मैं अगर इस कुत्ते की टांग को यहां से अगर ले लूं, इस जंघा को अगर मैं ले लूं, तो मेरा आज का पर्याप्त भोजन हो जाएगा। देखिए, तो चांडाल के घर में चोरी करनी है, और चोरी में भी क्या चोरी करना है, एक ब्राह्मण को एक कुत्ते की जंघा जो मांस उसमें है उसको खाने के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे कि ये कैसे संभव है। इधर वो जो चांडाल है वो जाग जाता है, उसको लगता है यार ये कुत्ते की जो जंघा यहां पे रखी है कोई ना कोई इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो उसने एकदम से देखा और अपना धनुष उठा लिया कि भाई कौन ऐसा करने जा रहा है, तो लाओ, वो तो शिकारी है, वो तो एक और शिकार सही। तो विश्वामित्र को इस चीज का एहसास हो गया, तो कहते हैं, विश्वामित्रो अहम आयुष्मान आगतो हम बुभुक्षिता। अरे आयुष्मान, मैं विश्वामित्र हूं, मेरे ऊपर बाण मत चलाइए। ना वधीर मम सदबुद्धे, अरे सदबुद्धि आप मेरा वध मत करो। देखो मुझे बहुत भूख लगी है और इसलिए
मैं तुम्हारे यहां से इस कुत्ते की जांघ को लेकर के खाना चाह रहा हूं। अब तो भैया विश्वामित्र ऋषि का नाम पड़े तो फिर तो कोई धनुष कैसे उठा सकता है। वो जो चांडाल है वो ऋषिवर को प्रणाम करता है और प्रणाम करके उनसे ये कहता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा कैसे संभव है, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो वैसे ही भक्ष अभक्ष का बहुत ख्याल करते हैं, उसमें भी आप हमारे घर से एक स्वपच एक चांडाल के घर से और वहां से भी आप क्या लेने आए हैं, एक मरे हुए कुत्ते की जांघ को आप खाने के लिए ले रहे हैं, क्या बात करते हैं ऋषि बरा, ये कैसे संभव है, आप ऐसा दुष्कृत्य कैसे कर सकते हैं। भिक्षाम अन्याम आहरिति, अरे ऋषिवर आप कहीं जाइए कुछ और भिक्षा मांगिए, इस प्रकार का कर्म करना आपको शोभा नहीं देता है। ननुनम कार्यमेतत वै हर कामम स्वजागिनी, आप ये जो कुत्ते की जांघ का हरण कर रहे हैं ना, इसकी जो चोरी कर रहे हैं, ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है। देखिए शास्त्रों में एक बड़ा प्रचलित वाक्य है, काया राखे धर्म शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो कालिदास की पंक्ति है, ये शास्त्र विहित पंक्ति है। अगर आपका शरीर है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर ही आपके पास नहीं बचा तो फिर न धर्म होगा न कर्म होगा, और अगर धर्म कर्म नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा भैया, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ना दुर्भिक्षे सुलभम मांसम, वो ये कहता है कि महाराज अगर मांस भी आपको खाना है तो किसी योग्य प्राणी का मांस खाइए। देखिए जिनके पंजे में 5 नाखून होते हैं ना, इन प्राणियों का मांस अभक्ष्य है, ब्राह्मणों के लिए तो विशेष करके अभक्ष्य है, तो आप ऐसा दुष्कृत्य कैसे कर सकते हैं। शमित कहते हैं भाई इस दुर्भिक्ष में दूसरे किसी प्राणी का मांस भी नहीं मिल रहा है। विश्वामित्र कहते हैं कोई ऋषि जो है ना, जिसका निषेध हो जो पाप हो, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए मैं जो ये कर रहा हूं ये धर्म ही है, ये पाप नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी कथा है, ये क्या स्टोरी है, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं कि विश्वामित्र पहले तो मांस भक्षण करने के लिए जा रहे हैं। चलिए मांस भक्षण एक स्वाभाविक प्रक्रिया किसी काल में मानी जाती थी, ब्राह्मणों के लिए भी ये निषिद्ध नहीं था, मदिरा पान निषिद्ध था, इसका उल्लेख यहां पे भी आएगा। लेकिन मांस भक्षण में जिनके 5 नाखून होते हैं पंजे में, ऐसे प्राणियों का मांस भक्षण हमेशा निषिद्ध रहा है, और उसमें भी कुत्ते का मांस भक्षण करना, ये तो बहुत ही बड़ी निकृष्टता की बात है। और उस काम को करने के समय विश्वामित्र ये कह रहे हैं कि कोई ऋषि कभी भी जो पाप कर्म है जो निंदित कर्म है उसको नहीं कर सकता। तब वो स्वपच कहता है, वो चांडाल कहता है कि ब्राह्मण जो करें वही धर्म बन जाया करता है, तो मैं ये समझ सकता हूं कि आप ये जो करने जा रहे हैं ये धर्म हो सकता है, अन्यथा मुझे किसी भी रूप से इसमें कहीं भी धर्म का कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। विश्वामित्र कहते हैं अगस्त मुनि ने वातापी को खा लिया था, जब जैसी जरूरत पड़ी है भोजन के लिए तब उस चीज का स्वीकार कर लिया गया है। चांडाल बहुत महत्वपूर्ण बात करता है, जो आज सभी लोग अधिकांश लोग आज का ये वीडियो सुनकर के इस चीज का कमेंट करना चाह रहे होंगे, वो चांडाल का कहना है कामम नरा जीवतम संत्यजंती। अरे लोग इस प्रकार का निकृष्ट कर्म करने की बजाय मर जाना बेहतर समझे। अधिकांश लोगों की स्थिति ऐसी है महाराज कि इस प्रकार का निकृष्ट मांस भक्षण करना, इसकी बजाय वो कहेंगे कि मर जाएंगे। नचा भक्षे क्वचित कुर्वंती बुद्धि, वो ऐसा अभक्ष खाने के लिए अपनी बुद्धि नहीं कर सकते हैं, वो मर जाना पसंद करेंगे।
अब हमें आपको भी यही लगे कि भाई इस प्रकार से कुत्ते की जंघा का मांस खाना इससे बढ़िया तो मर जाना बेटर है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहां जो विश्वामित्र कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र कहते हैं स्थाने भवेत संशयम प्रेत्य भावे निस्संशयम कर्मणा वै विनाशा। देखिए उपवास करके प्राण दे दिया जाए तो इस प्रकार की मृत्यु का कोई लाभ नहीं, यानी आपको खाना नहीं मिल रहा, आप नहीं खा रहे हैं और आपके प्राण अगर भूख की वजह से प्राण निकल जाते हैं तो इसमें कहीं भी किसी भी रूप में आपको परम तत्व की परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, ये मानना बिल्कुल मिथ्या है। मतलब इसमें संशय है, लेकिन आप कर्म करते रहें, आप जीने का प्रयत्न करें तो ये निस्संशय है कि अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो प्रत्येक पाप के लिए कोई ना कोई प्रायश्चित कहा गया है, आप प्रायश्चित करके फिर उसमें से बाहर आ सकते हैं। एक बड़ी ही प्रसिद्ध स्टोरी है, प्रसिद्ध ऐसा तो नहीं है कि बड़ी कथा है या कहीं प्रचलित है, लेकिन मैंने सत्य घटना को इसको पढ़ा था कि किसी विमान की दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना के बाद वो विमान किसी ऐसे बर्फ के पहाड़ों के अंदर क्रैश हो जाता है। इसके ऊपर फिल्म वगैरह भी बनी है कि जहां लोग बाग जो हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, दूर दूर तक जाना हो तो कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं पता, कहीं कुछ नहीं है। और ऐसे में जब तक उस विमान के अंदर जो कुछ था लोग नहीं मरे हैं क्योंकि वो विमान पर्वत पे क्रैश हुआ तो वहाँ कुछ आग वाग भी लगी नहीं, बहुत सारे लोग जिंदा बच जाते हैं। और फिर वो स्टोरी शुरू होती है कि जब तक कुछ खाने के लिए तब तक तो खाया पिया गया, फिर एक दूसरे को मार मार के खाना शुरू कर दिया। आज चार लोग मित्र हैं, वो चार लोगों ने मित्रों ने अपनी एक टोली बना ली, वो मिल मिल करके और एक एक को मार करके खाते जा रहे हैं। तो फिर अंत में तो उन चार में से जब वही चार बचेंगे तो फिर अब उनके अंदर भी वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब व्यक्ति एक बार कुछ काम शुरू कर देता है ना तो उसका कहीं अंत नहीं है। हमारे यहाँ दस कुमार चरित में धूमनी वृत्तांत आता है, महाकवि दंडी की रचना है, वहाँ पे भी अकाल का भयंकर वर्णन किया गया है। वहाँ अपने परिवार के लोगों को मार मार के खाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को मार के खा गए, अपनी पत्नियों को मार के खा गए, यहां तक का उल्लेख पाया जाता है। तो तात्पर्य ये है, यहां विश्वामित्र ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए व्यक्ति को अपने प्राण बचाना ये सबसे बड़ा धर्म है। अब वो कहता है नैवोत सहे भवतो दातुमेता, फिर भी मैं आपको ये चीज दे दूं इसमें मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको देता हूं तो आप अभक्ष का भक्षण करेंगे और वो अभक्ष मैंने आपको दिया है तो जितना पाप आपको लगेगा उतना ही पाप का भागीदार मैं भी बनूंगा, इसलिए मैं इसके लिए तैयार नहीं। तब विश्वामित्र कहते हैं नैवाति पापम भक्ष्यमाण सृष्टम। भाई व्यक्ति जब कुछ खाता है ना वो अपने प्राणों को बचाने के लिए कुछ भी खा लेता है, उसको कभी भी पाप नहीं कहा गया है। किसी भी शास्त्र में प्राण बचाने के लिए अगर व्यक्ति ने कुछ भी अभक्ष भक्षण कर लिया है तो उसको पाप नहीं कहा गया। सुराम तु पीत्वा पतितीति शब्दा, ऐसा उल्लेख जरूर मिलता है कि अगर कोई शराब पान करता है तो ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट होता है। न पाप मात्रेण कृतम हिनस्ति, इसके अलावा किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार कोई पाप कर लिया, भाई कभी ऐसी स्थिति आ गई कि अभक्ष का भक्षण करना है। मैं आपको एक बिल्कुल सत्य स्टोरी सुनाता हूं। एक व्यक्ति को घूमने का बड़ा शौक था, वो घूमते घूमते पहुंच गया जाकर के साउथ अफ्रीका के जंगल में। बचपन से ही बहुत पढ़ने का शौक तो, और वो भी ये घूमने वाली कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था। तो उसने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि जब मैं वहां पहुंचा जा करके तो एक कबीले वाले लोगों ने पकड़ लिया उसको। अब वहां दुभाषिया था जो उसकी भाषा को समझता था,
तो उससे पूछा गया कि किस लिए आए, तो उसने कहा कि हम तो महाराज घूमने निकले हैं और घूमते घूमते यहाँ करके पहुँच गए हैं, बाकी हमारा तो कोई आशय है नहीं। तो उससे पूछा गया कि आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो, तो उसने बहुत सारे जगह के नाम बताए। और उस कबीले का जो सरदार था वो बड़ा खुश हो गया इस बात को लेकर के, क्योंकि वो और भी कुछ ऐसे स्थानों के नाम बताए थे जो उस कबीले के सरदार के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण स्थान रहे होंगे। तो उसने उसका सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ स्वागत किया जाए, इसकी एक अच्छा सा उत्सव होना चाहिए। तो लिखता है कि एक भैंसे को वहां लाया गया, उस भैंसे के माथे में जोर से भाला मारा गया और उसमें से जो गरम गरम खून निकला वो खून ग्लास में भर के पीने के लिए दिया गया। अब आप बताइए कि अगर वो व्यक्ति उस खून को पीता है तो जिंदा नहीं रहता, और नहीं पीता है तो जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा राज सम्मान दिया जा रहा है, और अगर उसका अनादर करते हो तो वो दुभाषिया ने साफ कह दिया था कि ये आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान का ये कार्य किया जा रहा है। तो कई बार इस प्रकार की स्थितियां आती है व्यक्ति के जीवन में। अब आप पूरा ग्लास नहीं पिए लेकिन उसको सम्मान देने के लिए आपको उसमें से घूंट तो भरना पड़ेगा। तो यहां विश्वामित्र जी एक बात कह रहे हैं, न पाप मात्रेण कृतमिनस्ति। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी किसी घटना बस ऐसा कोई पाप करना पड़ जाए या वो ऐसा कोई पाप कर लेता है तो इससे उसके किए हुए सारे पुण्य कर्मों का नाश नहीं हुआ करता। परिस्थिति महत्वपूर्ण है। यहां आजीविका के लिए अगर ये काम किया गया है तो संभव है, अगर स्वाद के लिए किया गया, अगर जिह्वा के टेस्ट के लिए किया गया है तो वो बड़ा ही अशुभ है। तब वो चांडाल कहता है कि महाराज, आपकी सारी बातें सुनने के बाद, वैसे भी आप तो विद्वान हैं, मैं आपके साथ कहाँ आर्गुमेंट कर सकता हूँ, मैं आपके साथ कहाँ शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूँ कि अगर मैं आपको ये दे भी देता हूँ तो इससे मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, अगर इसका कोई पाप बनता भी है तो वो आपके सिर पे रहेगा। विश्वामित्र उस कुत्ते की जांग को स्वीकार करते हैं और फिर ये निर्णय करते हैं, अथास्य बुद्धि अभवत विधिना हम स्वजांगिनी। भाई ये जो जांग मुझे मिली है विधि विधान पूर्वक, भक्ष्यामि यथा कामम पूर्वम संतर्प्य देवता, मैं इससे पहले हमारे देवता पितरों का संतर्पण करूंगा। मैंने बहुत दिन से खाया नहीं, अपने भगवान का भोग भी नहीं लगाया, अपने पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है, तो पहले इससे मैं इसको पकाऊंगा, तैयार करूंगा और पहले मैं अपने देवताओं को इसका भोग लगाऊंगा और उसके बाद में इसका स्वीकार करूंगा। अब आप कहेंगे कि ये और एक नई बात आप कह रहे हैं, हम तो अगर कुछ ऐसा अभक्ष भक्षण करना है जिसका निषेध है तो हम तो चुपचाप खा लेते हैं, तो हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो आप चोरी कर रहे हैं, यानी आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, तभी आप इस चीज से बचते हैं। आपको पता है कि मैं अपने टेस्ट के लिए इस चीज को खा रहा हूं इसलिए मैं इसका भोग भगवान को नहीं लगा सकता। अग्नि में पकाई हुई हर चीज शुद्ध हो जाती है। विश्वामित्र ने यह निर्णय किया है कि मैं इस कुत्ते की जांग से, इस मांस से जो बनाऊंगा उससे पहले देवताओं का यजन करूंगा, पितरों का पूजन करूंगा और उसके बाद में उसका भोजन करूंगा। और जब वो इस प्रकार से उसका जो भी बनाना था वो बना करके और यज्ञ की आहुति की तरह देवताओं का यजन करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं, तो यहां लिखा है एतस्मिन्नेव काले तु प्रववर्ष सवासपः, उसी समय इंद्र ने जो है सुंदर वर्षा की है और चारों तरफ औषधि और सभी चीजें जो है वो लोगों को प्राप्त हों, इस प्रकार से लोगों का कल्याण हुआ है। इसलिए कहते हैं कि एता बुद्धिम समास्थाय जीवितव्यम सदा भवेत्। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिए। देखिए आपत्ति काल की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो आपके स्वाद के लिए हो, जो आप अपने लोभ बस मोह बस या किसी और कारण से कर रहे हो। यहाँ स्पष्ट है कि आपत्ति की पराकाष्ठा जो है, जब आपका जीवन आपके प्राण जब संशय में पड़े हों तो उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपके प्राणों पर आ जाए और अपने प्राण बचाने के लिए आप अगर किसी सामने वाले को मार भी देते हैं तो उसको कोर्ट जो है वो आपका पाप नहीं मानती है।
इसी प्रकार से ये सारी बातें कही गई हैं। तो आपत्ति के समय की बातें कुछ अलग हुआ करती हैं, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, आपत्ति के समय बहुत सारी चीजें बदल जाया करती हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति।